हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, हरियाणा में टीचर्स भर्ती को लेके बात करने वाले हैं। देखो भाई, हरियाणा जो है बेरोजगारी में सबसे नंबर वन है, ये तो आप सभी को पता ही है। साथ में हम बात करेंगे टीचर्स भर्ती के बारे में कि 8-8, 10-10 साल हो गए हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में ले लो, पीजीटी ले लो, टीजीटी ले लो, पीआरटी ले लो एंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, लेकिन कहीं पर भी जो है भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है। और फिर कहते हैं ये कि बच्चे कम हो रहे हैं भाई, स्कूल जो है मर्ज कर रहे हैं, कॉलेज भी आगे इसी तरीके से जो है गगार पे, 60% जब स्टाफ ही नहीं है और जो भी है वो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो है पहले जो है कंपनियों के थ्रू लगते थे, है ना, कई अभी भी जो है पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो क्या चल क्या रहा है ये, है ना, एच के आर्यन के थ्रू भर्ती निकाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं और हो सकता है किसी को मेरी बात जो है बुरी लग सकती है, मिर्ची लग सकती है, लेकिन अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हर एक जो एरिया है कि इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद, इतनी सारी डिग्री लेने के बाद फिर भी जो है घर वाले के ताने सुन रहे हैं। क्या टीचिंग प्रोफेशन चुन लिया किसी ने तो गलती कर दी क्या? मतलब जो बोलता है कि भाई टीचर जो है वो समाज का निर्माण करता है, अगर वो किसी ने ये सपना देख लिया कि मुझे टीचर बनना है तो उसने गलती कर दी? आप मुझे बताओ, गलती कर दी क्या कि भाई अगर मुझे टीचर बनना है और मैंने वो सपना देख लिया है तो भाई सरकार तो 10-10 साल वैकेंसी नहीं निकालेगी, है ना भाई। मैं जो है पहले 12th में भी अच्छे नंबर लेने हैं, ग्रेजुएशन भी करनी है ना, अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बनना है तो भाई फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, फिर मुझे बीएड भी करना है ना, और फिर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं, तो चलो हरियाणा में तो नहीं है, फिर मुझे एस्टेट का एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, फिर मुझे स्क्रीनिंग का भी देना है, फिर मुझे प्री मेंस और इंटरव्यू भी देना है, और फिर जो है कोर्ट में भी जाना है, 10-10 साल वेट करना है कि वैकेंसी आएगी, मेरा एस्टेट एक्सपायर होगा तो हर साल मुझे 1000-1000 रुपए के फॉर्म भी भरने हैं, हर साल मुझे एस्टेट का पेपर भी देना है, क्या पता एस्टेट की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाए, है ना। तो भाई क्या चल क्या रहा है? अगर मैं वन बाय वन का एक एक चीज पे डिस्कस करूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेबीटी टीचर की, क्योंकि जेबीटी टीचर के लिए आपको सिर्फ 12वीं पास करनी होती है और उसके बाद जो है आपको पीआरटी टीचर के लिए जेबीटी जो है जेबीटी करना पड़ता है, ठीक है। मैं जेबीटी टीचर की बात कर रही हूँ, जेबीटी आपको करना पड़ता है, डीएड वगैरह भी कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको एस्टेट लेवल वन का पेपर क्लियर करना होता है, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें हरियाणा में पीआरटी टीचर की भर्ती के बारे में, 2012 में आई थी, 2024 आ गया है, 12 साल हो गए हैं लेकिन भाई पीआरटी की भर्ती नहीं आई और कह रहे हैं कि आएगी भी नहीं, क्योंकि भाई पीआरटी टीचर तो जो है सरप्लस हो रखे हैं स्कूलों में, है ना, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे हैं नहीं टीचर पढ़ाने वाले हैं। ग्रेट, एक अच्छा पॉइंट है सरकार का बोलने के लिए कि 12-12 साल भर्ती नहीं आ रही तो एस्टेट का पेपर बंद कर दो ना, कि भाई जब जिस साल भर्ती आएगी उसी साल एस्टेट का पेपर ले लेंगे या उससे 1-2 साल पहले शुरू कर देंगे, किस नाम के 1000-1000 रुपए छाप रहे हो भाई, ठीक है। तो पीआरटी का देख लो 12 साल मायने रखते हैं, अगर किसी बच्चे ने गलती से जेबीटी कर ली और गलती से सपना देख लिया कि भाई मुझे हरियाणा में टीचर बनना है, वो तो पानी पी गया, नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई टीजीटी टीचर की, टीजीटी का तो अभी आपने देखा है 7471 पदों पर भर्ती आई थी जो कि अभी तक जो है कोर्ट में लटक रही है, कोर्ट भर्ती यही चीजें चल रही हैं। और कब आई थी ये भर्ती? 2019 में आई थी, 2024 आ गया है लेकिन भर्ती पूरी नहीं हुई है, ठीक है। उससे पहले कब आई थी आप खुद देख लो, है ना, तो मतलब इतने लंबे लंबे साल हो जाते हैं भर्ती आ नहीं रही है और फिर 5-5, 6-6 साल इनसे एक 3-4 हजार बच्चे नहीं लगाए जा रहे हैं, सोचने वाली बात है। इलेक्शन आ जाए, आचार संहिता लग जाएगी, है ना, तो मैं एक महीने में हर 5 साल में कैसे फिक्स होता है वो सारी चीजें, कैसे वहां पे रूल चेंज नहीं होते जब सरकार का इतना बड़ा, जब जो है अगर हम सरपंच की बात करें या फिर जो है प्रेसिडेंट पीएम की बात करें, क्या वहां पे रूल सेमेंट नहीं होते हैं, क्या रूल चेंज नहीं होते हैं? टीचरों के लिए ही रूल चेंज हो रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं, रूल बन रहे हैं, अभी रूल जो है क्लेरिफाई नहीं हुए हैं, मतलब एक छोटी सी पोस्ट पे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर उसके रूल डिफाइन नहीं होते, लेकिन भाई जो इतने बड़े बड़े जो इतने लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं उनके जो है उनके तो कोई रूल नहीं होते, उनके लिए तो कोई डिग्री नहीं देखी जाती कि भाई तुम्हें तो ये क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, 10-10 साल जो है तुम्हारा इलेक्शन नहीं आएगा, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो,
एक बार सोचने वाली बात है, मतलब किसी को भी मेंटली इतना मत हैरेस करो। स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँ, भाई लड़कियां तो प्रोफेशन इसलिए चुनती हैं कि भाई उनको तो अपने पतियों को, सास ससुर को, बच्चों को देखना होता है, कि भाई टीचिंग प्रोफेशन चुन लेते हैं, बढ़िया है। प्राइवेट जॉब में तो भाई कोई कहीं कुछ कहना दे, टीचिंग में तो ठीक है भाई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना, एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, इसलिए लड़कियों को बोला जाता है कि टीचर बन जाना, है ना। क्या किस तरीके से टीचर बनेंगे, किस तरीके से अपने सेम जो है इनको पूरा करेंगे, किस तरीके से इंडिपेंडेंट होंगी, तो भाई कुछ नहीं। अब पीजीटी की बात कर लो भाई, पीजीटी 2015 में भर्ती आई थी, 2000 जो है अब आज देख लो भाई 2024 से भर्ती तो आई है 2019 में, लेकिन भाई इनसे सक्सेस नहीं हुई, मतलब नाकाम रही है सरकार एक तरीके से भर्ती पूरी करने में। अगर आप सुन रहे हो तो भाई, अगर आप उधर पे लग रहे हो तो सॉरी, लेकिन सच्चाई है भाई, कड़वी सच्चाई है ये आप लोगों की, कि आप लोगों से इतना नहीं हो पा रहा है। आप इतने बड़े बड़े लेवल पे, इतने बड़े बड़े लेवल पे इतने एजुकेटेड बंदे बैठे हैं, लेकिन आप भर्ती नहीं पूरी कर रहे हो, क्यों भाई? फिर किस किस तरीके से आयोग बनाए, क्यों HSSC आयोग बना रखा है, क्यों HPSC आयोग बना रखा है, जब इनसे जो एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं ना। अब आ जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर पे, अगर इनके क्राइटेरिया की बात की जाए तो भाई बच्चे को जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करो, है ना। अगर किसी का JRF गलती से निकल गया तो बेचारा PhD कर लेता है ना, PhD कर लो, फिर रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, एकेडमिक स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, है ना, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन भर्ती नहीं है। मतलब भर्ती नहीं है सरकार के पास किसी भी चीज को लेके, मतलब क्या चल क्या रहा है भाई? तुम PRT लेवल की भर्ती निकाल रहे, PGT की निकाल रहे, PGT की निकाल रहे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाल रहे हो, आठ साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, 8 साल लगा लीजिए, बीच में 2 लीप ईयर यानी कि एक एक दिन और एक्स्ट्रा लगा लो, तो भाई 10 साल, 12 साल। तो अगर आप खुद सोचो कि आपके इलेक्शन में इतना डिले हो जाए, और अगर आपको, अगर आपके इलेक्शन में एक दिन भी डिले हो जाए ना, एक दिन भी, या फिर जो आपका जो चलता है ना न्यूज पे कि भाई BJP के इतने हो गए, कांग्रेस ने इतने ले लिए, उसने इतने ले लिए, है ना, तो अगर वो हाथों हाथ काउंटिंग ना हो और उस काउंटिंग के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ जाए, जो आज बच्चा सफर कर रहा है कि भाई पेपर दे दिया है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, है ना, उसको भाई 2-2 साल वेट करना पड़ रहा है रिजल्ट का, धरने देने पड़ रहे हैं, अगर आपको भी सेम चीज करनी पड़ जाए ना, कि भाई अपने काउंट, अपने जो है इलेक्शन को सेम काउंटिंग करवाने के लिए आपको धरने पे बैठना पड़ जाए कि भाई प्लीज काउंट करके बताओ कौन जीता कौन हारा, आपका तो सेम डे हो जाता है, वोटिंग पड़ी है, अगले दिन भाई सबको जो है न्यूज चैनल बड़ा बड़ा लिख रहा है, ये जीत गया, वो जीत गया, ये जीत गया, वो जीत गया, वहां पर ये सरकार आ गई, वहां पर ये सरकार आ गई, मतलब हद है एक तरीके से ना। अगर इसको मतलब सीरियसली सोचा जाए ना तो बहुत गंभीर समस्या है। और फिर आप कह रहे हैं कि भाई सब स्कूलों में पढ़ाई कौन करवाएगा, जब तुम अच्छे टीचर्स को जो है करोगे ही नहीं तो किस तरीके से होगा, या फिर जो है हर साल टीचर्स के लिए रूल बन जाते हैं, रूल बन रहे हैं लेकिन पेपर नहीं हो रहे, तो सेम रूल आप अपने ही उसमें भी तो इम्प्लीमेंट करो ना। सेम जो है जब इलेक्शन होते हैं, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा, आचार संहिता, ये सारी चीजें, तो वहां पे भी रूल्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों वहां पे भी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की जा रही, क्यों वहां पे भी जो है चरणों में नहीं रखा जा रहा है कि पहले तुम प्री जो है क्वालिफाई करो, फिर मेंस करो, फिर इंटरव्यू दो, क्योंकि भाई तुम तो इतने क्रीम लेवल के छटके आने चाहिए, क्योंकि इतनी क्रीम आनी चाहिए कि भाई इतने लोग जो है करोड़ों लोगों का, जब तुम एक मेन बैठा रहे हो, वो इतनी सारी चीजें देखने वाला है, तो वो तो बिल्कुल एक तरीके से वो होना चाहिए ना, डायमंड होना चाहिए, ताकि जो है वो इन सारी चीजों को अच्छे से देख सके। जब तुम टीचर्स के लिए इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम उसको लगा भी नहीं रहे हो, वो बंदा इतना कैपेबलेट है, फिर भी आप उसको नहीं लगा रहे हो, तो फिर उधर भी देखो ना उन चीजों को, उधर भी इम्प्लीमेंट करो, लेकिन नहीं, उधर तो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि भाई जो है गवर्नमेंट उनके हाथ में है, सब कुछ सबके हाथ में है ना, तो आप तो अपने हिसाब से चीज़ों को करोगे, आपको तो जो चीज़ें जो है इतने सालों से जो मतलब जो पैटर्न चल रहा है, आपको तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिर्फ दूसरी साइड ही पैटर्न चेंज क्यों हो रहे हैं, दूसरी साइड ही क्यों रूल लगाए जा रहे हैं, आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है टीचर प्रोफेशन के लिए। मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, इतनी सारी लड़कियां जुड़े हैं, इतने सारे लड़के जुड़े हुए हैं, बेचारे इनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए, वो 8-8, 10-10 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। इवन PhD वाले बच्चे सोच रहे हैं कि ग्रुप D की भर्ती, ग्रुप D की जॉब मिल जाए मुझे। अरे भाई PhD होल्डर बंदा सोच रहा है ग्रुप D की मिल जाए, है ना, तो एक सोचने वाली बात है कि जो है बेरोजगारी ने उसकी हालत क्या कर दी है कि भाई इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो जो है 12th ग्रेजुएशन वाले बच्चों के साथ सोच रहा है कि चलो ठीक है जैसी तैसी मिल रही है, मतलब मैं अपनी जिंदगी काट लूंगा, मेरे माँ बाप का अच्छे से भरण पोषण कर दूंगा, अपने बच्चों का कर दूंगा, मेरे सपने गए भाड़ में, मुझे नहीं बनना आशीष, मुझे किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाना, क्यों? क्योंकि भाई कैसे पढ़ाएगा वो, कैसे पढ़ाएगा, है ना, या फिर
ले आते हैं जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे सैलरी आधी ये वो, मतलब सब कुछ, मतलब शब्द ही नहीं है चीजों के लिए बोलने के लिए, है ना। लेकिन बहुत जो है, सिर्फ कुछ तो करो भाई यार, 4 तारीख हो गई है, 4 मार्च हो गया है, मतलब आपको जो है अपनी जो सारी चीजें हैं ना, जो ये आप लोग सोच रहे हो कि हमें टीचरों की सैलरी देनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन वो जो टीचर जो पढ़ के आया है ना, मतलब उसने, उसके माँ बाप ने अपनी जमा पूंजी लगा दी उसको पढ़ाने के लिए। क्या पता गरीब माँ बाप हो और जिसने ये सोचा कि भाई हमारा बच्चा जो है वो टीचर बनेगा, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो एटलीस्ट आप उसके लिए भी सोचो ना कि वो इतनी सारी डिग्री लेकर आया है, इतनी सारी डिग्री लेके बैठा हुआ है, तो आपको कुछ तो करना चाहिए। हरियाणा को इतना भी ज्यादा बर्बाद मत करो कि भाई नंबर 1 पहुंचा दिया है जो है। और सबसे ये तो भाई एजुकेशन क्राइटेरिया है, एजुकेशन फील्ड है, कहीं कहीं किसी दूसरे की भी बात कर लो, सेम चीजें चल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है कहीं पर भी। तो ऐसे बच्चों को मेंटली स्ट्रेस मत करो, लड़कियों को मत करो, जो बेचारी अपने पति को भी देख रही है, दो दो बच्चों को भी संभाल रही है ना। मतलब सबके गालियां भी खा रही थी, अरे फलानी तो हो गई है, तू तो तेरा ही क्यों नहीं हो रहा है, अगर उसने गलत प्रोफेशन चुन लिया, गलती से टीचर को सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे टीचिंग में जाना, बच्चा जो इतना आगे आ गया है कि भाई उसने बीएड कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, नेट क्लियर कर लिया, ये कर लिया, स्टेट क्लियर कर लिया, तो किस तरीके से जो है ग्रुप डी की भर्ती में चला जाए, कलर्क की में चला जाए, वो सोच रहा ना मैंने इतनी क्वालिफिकेशन के, एटलीस्ट मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिलनी चाहिए। गलत सोच लिया उसने, गलत सोच लिया तो बता दो ना, पहले ही साफ साफ मेंशन कर दो कि भाई टीचरों की भर्ती हम नहीं निकालेंगे है, तो भाई आप ना ही पढ़े। अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं ना, तो भाई मत पढ़ो, इतना इतनी क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं निकाल रहे। स्टेट बंद कर दो भाई, मत बंद कर दो, अगर तुम्हें, अगर आप लोगों को नहीं करना है कुछ भी, तो बंद कर दीजिए, बोल दो साफ साफ कि नहीं निकालने वाले, हम नहीं करने वाले। अब जो है जो होगा वो आगे से प्राइवेट जो है, प्राइवेट के थ्रू, प्राइवेट में, क्योंकि बच्चे भी बच्चे हैं नहीं, आप यही बोलते हो ना, बच्चे नहीं है, मर्ज कर दिया है स्कूल को, उसके साथ मर्ज कर दिया है, मर्जी होंगे भाई, टीचर ही नहीं होगा तो माँ बाप सोचेंगे, जब टीचर ही नहीं है सरकारी स्कूलों में तो क्या करेंगे अपने बच्चे को, कहाँ भेजेंगे। भाई हर किसी को है ना कि भाई हम नहीं पढ़े, हमारा बच्चा पढ़ेगा, है ना, यही सोचते हैं ना। हर कोई ये सोचता है, भाई माँ ये सोचती है कि भाई मैं नहीं पढ़ी, है ना, मेरी माँ नहीं पढ़ी, तो मेरी मम्मी ये सोचती थी कि मैं नहीं पढ़ी ना, मेरी मेरी बच्चियाँ मेरे बच्चे पढ़े, है ना, मेरी मम्मी की सोच बताई, सेम सेम सोच भैया पेरेंट्स की है कि भाई हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चे को जो है वो एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना। तो भाई अगर उन्होंने ऐसी सोच ले कि तुम स्कूल में जब टीचर रहेगा ही नहीं, अगर स्कूल में टीचर्स होंगे, अगर 60-60% जो है, 60% जो है टीचर्स कम है, स्टाफ कम है, तो भाई किस तरीके से पेरेंट्स वहां पे अपने बच्चों को भेज दें, किसके हाथ में अपने भविष्य को छोड़ेंगे। आप जो आज के युवा हैं उनको मौका तो दीजिए, क्या पता वो इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं कि भाई प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे सरकारी में आ जाए। क्योंकि भाई आज का जो है हर एक टीचर की सोच चेंज हो रही है, हर एक को लग रहा है कि भाई मुझे पढ़ाना है, तो भाई इतने अलग अलग तरीके आ रहे हैं पढ़ाने के, बिहार का ही ले लो, बिहार में भी लंबे समय से नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने एकदम इतनी सारी भर्तियां कर दी, कुछ तो हरियाणा वाले, मतलब 2-4 हजार भर्तियां नहीं हो रही आप लोगों से, थोड़ा सा है तो निराशा वाली बात, पर क्या कर सकते हैं, है तो हमारा ही राज्य, मतलब हमारा ही स्टेट, क्या करें, मतलब बोलने में तो हम हरियाणा से हैं, है ना, करने को भी, लेकिन हमारे जो स्टेट की हालत है ना, शायद किसी स्टेट की इतनी बुरी हालत नहीं है, और इतना बुरा जो है किसी के साथ नहीं है, मतलब बाकी स्टेटों में भी है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई, लेकिन जो है फिर भी जो है वहां पे फिर भी वैकेंसी आ रही है, हरियाणा में तो जो है आ रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा बच्चों को, सिर्फ मेंटली हैरेस के अलावा कुछ नहीं हो रहा। मेरे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का तो और भी बुरा हाल है, उनको तो शायद वो पेपर देने का ही मौका नहीं मिल रहा कि वो पेपर दें, और शायद कुछ अपना जो है एटलीस्ट घर वालों को ये तो बता सके कि भाई हमने पेपर दे रखा है, रिजल्ट आएगा, हमारा हो जाएगा, वो तो इस उम्मीद में भी नहीं बैठ सकते। क्या पता है आपको क्या लगता है, मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को, मतलब जितने भी बच्चे हैं या जितने भी जो मेहनत कर रहे हैं या जो भी चीज है, क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, कि आपको क्या लगता है जो मैंने बोला वो सही है, या फिर जो है क्या करना चाहिए इन सारी चीजों का, ये जो ये इनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, क्या ये मतलब इतना, देखो गंभीर मुद्दा है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, और इस पे सरकार को और हर किसी को सोचने की जरूरत है कि भाई करो कुछ, बच्चों को मेंटली हैरेस मत करो, और इतने सालों से जो उन्होंने इतनी एजुकेशन ली है उसको मौका दीजिए, ताकि वो बच्चा कुछ करके दिखाए, है ना, उसके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ हमने अपनी पूरी जमा पूंजी अगर किसी के पीछे लगाई है, तो भाई एटलीस्ट हमारे बच्चे ने वो हमें करके दिखाया है। तो भाई मेरी आप सभी से जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई
आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी जरूर बताइएगा कि भाई कुछ तो किया जा सके इन सारी चीजों को लेके। सरकार को मुद्दे तो सुनाने पड़ेंगे ना, मतलब पता तो है ही उनको, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। टीचर्स की जो टीचर्स का दर्द है ना, वो तो दिखाई नहीं दे रहा उनको बिल्कुल भी। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो समझे इस चीज को, बहुत गंभीर समस्या है, और कुछ जो है देखा जाए कि क्या करना है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।